दिल्ली पब्लिक स्कूल के खिलाफ बच्चियां बैठी भूख हड़ताल पर। बरेली के जिलाधिकारी कार्यालय के गेट पर तपती धूप में भूख हड़ताल पर बैठी ये बच्चियां खुशी सक्सेना और कनक सक्सेना हैं। तपती धूप में कलेक्ट्रेट गेट पर सड़क पर बैठी ये बच्चियां पोल खोल रही हैं मोदी योगी सरकार की व्यवस्था की। इनके पिता मनोज बिकट ने बताया कि स्कूल के उत्पीड़न के खिलाफ 4 दिन पहले DM से शिकायत की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, तब जाकर हड़ताल पर बैठना पड़ा। की प्रधानाचार्य रजनी सिंह है, जिन्होंने आज 2 साल से मेरे बच्चों के साथ मेरे साथ उत्पीड़न कर रखा है, फीस मांगते हैं, जबकि हमारा न्यायालय में मुकदमा विचाराधीन है। उत्पीड़न को लेकर 2 लाख रुपए की मांग करी उन्होंने, हम नहीं दे पाए तो बच्चों को उन्होंने धक्का देकर कर ये 2 लाख रुपए किस चीज़ के मांगे, डोनेशन मांगा है या रिश्वत? डोनेशन कहिए या फिर बच्चों की फीस कहिए, हमें तो ये नहीं पता किस हिसाब से फीस मांग रहे हैं वो, और विपरीत हमारे चल रहे हैं और हमें धक्का देकर बाहर निकाल दिया, ये कह दिया 2 लाख लाओ स्कूल में शिक्षा पाओ। और डीएम साहब से यहाँ मिले थे, डीएम साहब से 27 तारीख को डीएम साहब से मिले थे, बच्चों को लेकर पेश भी हुए थे, और उसके बाद की अभी तक कोई कार्रवाई हरकत में नहीं है और हम मजबूर होकर आज भूख हड़ताल पर जिला मुख्यालय पर बैठे हैं। उधर DPS प्रबंधन ने मनोज बिकट के सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि मनोज बिकट ने गुजरे 2 साल से फीस नहीं दी है। आरोप प्रत्यारोप को सुनने के बाद इतना तो साफ हो जाता है कि मामले को प्रशासन के ढुलमुल रवैये ने ही तूल दिया है। अगर प्रशासन समय से हरकत में आता तब मामला अब तक सुलझ चुका होता।